डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के रेसलिंग के खिलाड़ियों ने डीएवी स्टेट लेवल रेसलिंग चैंपियनशिप में अपने शानदार प्रदर्शन से 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके विद्यालय व जिला का नाम रोशन किया है। डीएवी हमीरपुर की कुश्ती की टीम ने डीएवी बिलासपुर में आयोजित स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप में पहली बार स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और स्टेट चैंपियन विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डीएवी हमीरपुर के कुश्ती के खिलाड़ियों में रजत, अवे और ऋषि ने अपने शानदार खेल से गोल्ड मेडल प्राप्त किए। शुभम, अनमोल और अक्षत ने सिल्वर मेडल जीते। तनुज और आकाश ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। डीएवी हमीरपुर के रेसलिंग कोच प्रवीण कुमार मनहास ने बताया कि विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए रेसलिंग कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बच्चों को कुश्ती के विभिन्न दांव पेच सिखाए जा रहे हैं। डीएवी के 6 खिलाड़ी डीएवी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं, जो दिसंबर में हैदराबाद में आयोजित होगी। बच्चों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। कुश्ती विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए भी एक सहायक खेल है। डीएवी प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा का कहना है कि वर्तमान में कुश्ती में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण खेल है। डीएवी के विद्यार्थियों को कुश्ती में शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों और कोच प्रवीण कुमार को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में छात्रों की लंबित मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते एबीवीपीआई इकाई का रोष बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते रोजाना धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भी एबीवीपी के दर्जनों छात्रों ने तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर नारेबाजी की और मांगों को मनाने के लिए उप कुलपति के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर एबीवीपी के दर्जनों छात्र छात्राओं ने तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार को जमकर कोसा। एबीवीपी ने चेताया कि अगर जल्द मांगों को नहीं माना जाता है तो एबीवीपी पहले जिला स्तरीय आंदोलन और बाद में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करेगी। एबीवीपी इकाई सदस्य नवनीत सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ये विश्वविद्यालय विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है। आज तक विश्वविद्यालय को सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया है, जो कि शर्मनाक है। वहीं छात्रों की मांगों पर उप कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार से बात की जा रही है और जल्द ही छात्रों की सारी मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि छात्रों की फीस वृद्धि की मांग को मान लिया गया है, जिसके तहत 3,000 रुपए की कटौती की जा रही है। बाकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पत्राचार कर बात की जा रही है। त्योहारों के सीजन में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन अब सख्त हो चुका है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी नियमों की पालना हो, इसके लिए सख्ती अमल में लाई जा रही है। यातायात पुलिस के प्रभारी की अध्यक्षता में कोटला नाला, लक्कड़ बाजार और सर्कुलर रोड पर सड़क किनारे खड़े किए गए वाहनों का चलान किया गया। वहीं जो दुकानदार अपनी दुकानें सड़कों पर लगा रहे थे, उन्हें भी हिदायत दी गयी। दुकान का सामान सड़कों पर ना लगाएं। इन चलानों से जहां व्यापारियों में रोष दिखा, वहीं पैदल चलने वाले लोग खुश भी नजर आए। अधिक जानकारी देते हुए राकेश कुलेरिया यातायात प्रभारी ने बताया कि उन्हें काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि सड़कों के किनारे खड़े वाहनों से उन्हें चलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल क्योंकि
त्योहार चल रहे हैं इसलिए बाजारों में लोग भी बाजारों में ज्यादा आते हैं, इसलिए उनकी सुविधाओं को देखते हुए कोटला नाला, लकड़ बाजार और सर्कुलर रोड पर दोपहिया वाहनों के सख्ती से चालान किए गए हैं।